ओके, गुड मॉर्निंग। मुझे 10:04 को याद दिलाना, आई लॉक द मीटिंग 10:04। कृष्णा कृष्णा रिमाइंड मी, कृष्णा यस सर, ओके सर, रिमाइंड मी, हाँ यस सर, एवरी डे एवरी डे। यस सर, ओके रितिका प्रसाद, यस सर, रितिका, व्हाट इज द एमआई ऑफ अ सॉलिड स्फीयर? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर? देख के बोल सकते हैं सब बच्चे। सर आई ओ इज इट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर? Ritika, you are not studying. Not studying. Sir, I O is equal to I C plus M R square. The worst, worst answer, bad answer. I would like to ask Aska, what is the MI of a solid sphere? If M is the mass, R is the radius of the sphere, about diameter. Aska? Yes, sir. What is Can the you formula? Repeat the question? Am I of a solid sphere? Dagina? Yes, sir. So MR square by 2. MR square by 2. Oh, worst answer. Very bad answer. Abhi khali ek do koi aayega kya? Roshni, tum batao kam se kam. Am I of a solid sphere? मुर्तजा सर 2/5 एम आर स्क्वायर क्या करूं मैं, कैसे करूं? तुम लोग याद ही नहीं करना चाहते हो, यू डू नॉट वांट टू स्टडी। खाली वो दो तीन स्टूडेंट को आंसर पूछता रहूं मैं। और रितिका क्या है आईओ इक्वल टू आईसी प्लस एम आर स्क्वायर? वो आंसर कब देना है? जब मैं बोलूं व्हाट इज द इक्वेशन ड्यू टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आपको वो आंसर देना है। वेरी बैड। अच्छा अभी है ना, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एक फॉर्मूला बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन, अ ब्रीफ रिवीजन ऑफ व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। अच्छा कोई मुझे बताएगा, एक बॉडी ऐसे है और एक बॉडी ऐसे टायर ऑफ अ कार फॉर एग्जांपल, वो रोल करते करते आगे जा रहा है और ये वेलोसिटी से आगे करते जा रही है, व्हाट इज द डिफरेंस? Difference between these two is what? Anyone can tell me? Anyone? क्या ये rotate हो रही है? ये body rotate हो रही है क्या? जो slide हो रही है वो? No sir. इसके पास rotation नहीं है। Sir, lock the meeting. Yes, I have locked the meeting. Okay. इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन है, उसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ये है ना, ये क्या कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, मतलब ओमेगा भी है और वी भी है, इसलिए इसका फॉर्मूला टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन विल बी हाफ एम वी स्क्वायर ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड प्लस। Anybody can tell me what is the formula for kinetic energy of rotation? I would like to ask, let us say, Om Mistry, what is the formula for kinetic energy of rotation? Pankha, suppose rotate karta, uska kinetic energy kitna? Om Mistry? Om Mistry? Om Mistry, I think should be removed. Haan, bolna phir. Conan, what is the formula for kinetic energy of rotation? Conan, Kuresh. That's lovely answer, best answer. तो कभी भी rolling, इसको बोलते हैं rolling. Rolling के पास दोनों होता है, ये होता है sliding.
स्लाइडिंग के पास फिर क्या होता है, इसमें स्लाइड भी होती है रोल भी होती है टायर ऑफ अ कार. तो दिस फॉर्मूला यू मस्ट नो. और वी कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, अगर उसको और सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई के बदले रेडियस ऑफ वेरिएशन का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? आई के बदले एम और के अफिफ अफिफ को अफिफ सही है सर. आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर. दैट्स राइट, एम के स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर के बदले वी कैन राइट वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बिकॉज़ वी इक्वल टू आर ओमेगा. वी नो v equal to r omega na, v equal to r omega, therefore omega equal to v by r. So can I say that is equal to half mv square common, so it will be 1 plus k square by r square. This is the formula for kinetic energy of rolling. Yeh likh jao jaldi before you start the further part of this chapter. Ek baar fir se bata do. दो तरह के मोशन होता है, एक होता है स्लाइडिंग मोशन जिसमें बॉडी सिर्फ स्लाइड कर रही होती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर. और एक ऐसा मोशन होता है जिसमें डुक 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 टायर ऑफ अ कार रोल भी होता है और आगे भी बढ़ता है, उसका उसको बोलते हैं रोलिंग मोशन. तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. इसमें पंखा, पंखे के पास क्या होगा, एनीवन कैन टेल मी पंखे के पास कौन सी एनर्जी होगी, दोनों होगी या एक ही होगी? फैन, प्रेशर शिफ्टिंग, कौन सी वाली? रोलिंग. हाँ, रोलिंग नहीं रे, रोटेशन. सी रोटेशन, रोटेशन और रोलिंग में फर्क यह है कि पंखा सिर्फ रोटेट करता है और टायर ऑफ अ कार रोल करता है. कॉपी करो इसको, कॉपी करो जल्दी. अरे इसके नोट्स नहीं भेजा आपने? नहीं, ये सब भेजा हुआ है. नहीं 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 है. नहीं है ये? नहीं, बीच में लिया. अच्छा, आफ्टर द लेक्चर इमीडिएटली आई सेंड. ठीक है बेटा, ये मिटाऊं, मिटा दूं? वैष्णवी, वैष्णवी योर वीडियो इज यस सर. मैं वीडियो निकालूंगी तो मैं तुरंत निकाल दूंगा क्लास से. वीडियो इज ऑन ओनली. हाँ, अभी ऑन हुआ जब मैंने नाम लिया उसके बाद. नहीं सर, उसके पहले से ऑन है. तो फिर मेरे को ऐसा क्यों दिखाई दे रहा था वीडियो के ऊपर? देखो अभी भी रेड मार्क है वैष्णवी, यू कैन सी योर थिंग इज ऐसा रेड है अभी भी राइट नाउ. हाँ, अभी हट गया. ओके, नाउ हम लोग देखते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? एक हमारे पास, सुनो ध्यान से, रिंग है, डिस्क है और सॉलिड स्फीयर है और हॉलो स्फीयर है. सबका रेडियस सेम आर, और उसको एक ऊपर से यहां से एक इंक्लाइन प्लेन से ऊपर से उसको ड्रॉप कर दिया, तो डुक 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 वो नीचे आएगा. तो लोग बोलते हैं नीचे आने पे यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे वेलोसिटी इज जीरो. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग. We have to find velocity of these four which are of the same radius. When it is rolled from an inclined plane, height is h, and let us say this distance is s. Okay, distance is s. So, what do we do? I'll tell you one thing. Can I say this is point position one? Let us say this is position one. And this is position two, position one and position two. Can you say total energy in position one is equal to total energy in position two? And total energy consists of what? Kinetic energy at position one plus potential energy at position one equal to kinetic energy at potential two, position two plus potential energy at position two. What is kinetic energy at position one? Anybody can tell me orally? यहाँ पे इसको छोड़ा गया, पहली पहली बार छोड़ा गया तो स्टार्टिंग में क्या थी वो? स्टार्टिंग में क्या थी वो? रेस्ट पे थी या ऑलरेडी मूविंग थी? रेस्ट. तो काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन वन इज जीरो. और सपोज मैं हाइट यहां से मेजर करता हूँ, दिस इज माय लेवल फ्रॉम व्हिच हाइट इज मेजर्ड,
So what is potential energy of the body of mass m? Let us say mass m. The mgh. Mgh. Lovely answer. There is a kinetic energy too. When it rolls down, its velocity is v. So half mv square plus what is potential energy? So zero. There is a serious mistake done by B. What is the serious mistake? Who can point out the serious mistake? Sir, we have to add a half I omega square also. That's right. Lovely answer. Afif, you're too good. Because body is not sliding. Body is rolling. Basically, half mv square plus half I omega square. And therefore, we can say mgh equal to half mv square plus half. I ke badle I can write mk square. Omega square ke badle I'll write v square by r square. So therefore, m will get cancelled. Gh v square by 2. Andar aega 1 plus k square by r square. Jara check karo, main mathematical mistake nahi kar raha hu. And therefore, v square is 2gh upon 1 plus. It will be half plus k square by r. Haan, bolo kya bolo, please. Kya? So it is v square by 2, so the other half is left out. अब मेरे को समझ नहीं आया बेटा क्या बोला हाफ 1/2 हाँ 1/2 मैंने कॉमन ले लिया और बी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया तो इधर से आएगा 1 और इधर से आएगा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर बी स्क्वायर तो कॉमन ले लिया बेटा बोल क्या डाउट है व्हाट आई शुड चेंज यही था मिटाऊं कि कुछ बराबर है ये बोलो एंड देयरफॉर v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh upon 1 plus k square by r square. ये रहा आंसर आपके सामने लेकिन अभी चार आंसर करने हैं आपको यह पहला रिंग फिर बाद में डिस्क फिर सॉलिड स्फीयर और फिर हॉलो स्फीयर चारों के लिए हम देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग यह है रिंग हुआ यह है डिस्क हुआ सबकी रेडियस सेम है यह है सॉलिड स्फीयर और ये हॉलो स्फीयर एक एक करके देखते हैं हम लोग एक एक करके उड़ाते हैं फॉर रिंग व्हाट इज के स्क्वायर एनीबॉडी कैन गेट देम मी इसका के स्क्वायर इसका के स्क्वायर इसका के स्क्वायर इसका के स्क्वायर जल्दी बताओ मुझे क्या है देख सकते हो आप लोग मैं एक मिनट का चांस दे रहा हूं एंड यू कैन सी द टेबल एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क विद द बट व्हाट इज द सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर With the butt. So 2 by r. 2 by 5 r square. 2 by 5 r square. According to me, let me ask other student, is she right or wrong? Let me ask Maj. Oh, Maj. K square ke badle kya likho solid yes, square mein? K square ke badle solid square ka kya hai? 2pi by mr square bag I am not asking I am asking k square m ko hata dene ka to vidhi is right 2/5 r square ring ka kya hai conan ring k square ring ka kya hai conan kureshi I think she left or what Oh, I think no, she's not there. तुम कभी आंसर देने पसंद नहीं करती हो प्रिशा शेट्टी रिंग डिस्क और ये सॉलिड स्फीयर का इसने बता दिया है विधि भट्ट ने प्रिशा शेट्टी yes, हाँ बोल किसमें
अरे भाई टेबल देखो ना, देख के बोलो. हु इज सेइंग डोंट सी द टेबल, देखो बुक में देख के आंसर बोलो. आई डोंट लाइक. आसिफ, व्हाट इज के स्क्वायर फॉर रिंग? हाँ बोल. आर स्क्वायर. एंड फॉर दिस? आर स्क्वायर बाय टू. एंड फॉर होलो स्क्वायर? बिल्कुल समझ में नहीं आता. टीचिंग सेम थिंग बट आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स. देखो बी का आंसर क्या होगा फॉर वेलोसिटी ऑफ रिंग? रूट ऑफ टू जी एच. वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मीन्स वन प्लस वन. सो दैट इज रूट ऑफ जी एच. इधर बी का आंसर क्या होगा? रूट ऑफ टू जी एच. के स्क्वायर के बदले फिर राइट आर स्क्वायर बाई टू हियर. सो इट विल बी वन प्लस हाफ. 3 by 2, so that will be 4 by 3. And for solid sphere, what is B? Root of 2GH, 1 plus 2 by 5. Okay, R square will get cancelled. And 5 chekam 5, 5 under 7, root of 10 by 7. GH. और यहाँ पे वी का आंसर होगा रूट ऑफ टू जी एच अपॉन वन प्लस टू बाई थ्री. तीन एकम तीन, तीन दूनी पांच, रूट ऑफ सिक्स बाई फाइव. ये रहा आंसर आपके सामने. कुछ मिस्टेक तो नहीं थी ना? तीन एकम तीन दूनी पांच, नहीं पांच तीन बराबर. ये कॉपी कर लो जल्दी और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको. आई एक्सप्लेन व्हाट आई हैव डन. बट आई एम रियली सैड. कोई देख के भी आंसर नहीं दे पा रहा है. आई एम टेलिंग यू सी ओनली आसिफ उष्णा एंड अफीफ एंड विदी. चार लोग के सिवा एवरीबडी स्ट्रगलिंग. जबकि आई एम टीचिंग एग्जैक्टली सेम थिंग. कोई स्पेशल मैं उनको लेक्चर नहीं दे रहा हूं. यहां तक कि मैंने बोल दिया तुम देख के बोलो, देखो बुक खोल के बोलो आंसर चलेगा. चलो इसके बाद देखो एक बार फिर से बता देता हूँ. टोटल एनर्जी एट पॉइंट वन इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट टू. काइनेटिक एनर्जी एट वन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट वन इक्वल टू के टू प्लस पी टू. बट दिस वाज़ द ड्रेस. तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइट इज एच तो एम जी एच. दिस बॉडी इज रोलिंग तो हाफ एम जी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो बिकॉज एच इज जीरो. तो mg is equal to half mv square. I के बदले mk square लिखा, omega square के बदले v square by r square लिखा, because v equal to r omega. तो gh equal to v square by 2, 1 plus k square by r square. तो v square is 2gh upon 1 plus k square by r square. v equal to root of 2gh upon 1 plus k square. Now, for ring, I am putting k square as r square. So this r square by r square will become 1, 1 plus 1. So that is 2. This 2 and upper का 2 get cancelled, root of gh. This के लिए k square is r square by 2, इधर half है, अपन से simplify कर सकते हैं, we'll get the answer. चलो मिटा दो इसको. Have you copied? Conan copy किया? So wait a second.
हाँ, अब मैं मिटा दूँ इसको। बोलो प्यारे बच्चों, मिटाओ। यस सर। No need to learn by heart. T square आपको याद रखना है. Automatically ये भी याद कर लेते हो. Okay, इसके बाद let us see acceleration. अभी velocity का formula निकाला था ना. लोग बोलते हैं acceleration shadow body का निकालो when it rolls down. Exactly same thing. पहले velocity के बदले acceleration. मुझे एक बार बताओ. Can I apply the formula v square equal to u square plus 2gh? वेलोसिटी का ये फॉर्मूला लगाऊं क्या? बोलो बोलो। जी विल नॉट बी राइट बिकॉज इट इज नॉट फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एनीबडी कैन टेल मी कैन आई यूज जी? इट हैज टू बी ए। एंड हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल्स? व्हाट इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स? इट विल बी एस। V square equal to U square plus 2AS. That should be the start. और अभी अभी मैंने V square का formula निकाला था. कोई है जो बोल सके V square का क्या formula निकाला मैंने? अभी जो निकाला था V square का formula. देख के बोलो, देख के. अभी इसके पहले यहाँ पे V square लिखा था. क्या था वो? 2GH 1 plus K square upon R square. That's a lovely answer. Lovely answer. Therefore, U is zero. S. Tell me what is sine theta? Sine theta will be what upon what from the figure? So perpendicular upon hypotenuse. So H upon S. S. All right. So H ke badle tell me. 2a s s के बदले तेल भी कह रहे हैं h upon sin theta. This can I cancel h h and therefore this 2 so therefore g upon 1 plus a square by r square equal to a upon sin theta and therefore a का formula क्या है? G sin theta upon 1 plus K square by R square. Alok Gupta. Oh, yes, sir. Tell me, what is the formula for MI of a solid sphere? Yaad nahi, sir. Ritika Prasad? MI of a solid sphere? 2/5 mR² हाँ, अब आया है तुमको बराबर से। I think वैष्णवी ने आंसर दिया है ये। वैष्णवी very good answer. Very good answer. मतलब ये अभी भी खोई हुई है। Ring, disc. Solid sphere, hollow sphere. So ring ka kya hai? A equal to g sin theta upon 1 plus 1, that is 2. Iska kya hai? G sin theta upon 1 plus half, 2/3 g sin theta. Solid sphere ka kya hai? A equal to g sin theta on 1 plus 2/5. That is equal to 5/7 g sin theta. Or hollow sphere ka A equal to
जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस दोन बाय तीन तीन दो पांच थ्री थ्री बाय फाइव कॉपी करो देन आई एक्सप्लेन यू. यहाँ पे मैंने के स्क्वायर की वैल्यू डाली है, इधर के स्क्वायर आर स्क्वायर, इधर डिस में के स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू, सॉलिड स्क्वायर में टू बाय फाइव आर स्क्वायर और हॉलो में टू बाय थ्री आर स्क्वायर. लेट मी आस्क पहले तो किसी को पूछ भी लेता हूँ. हुसैन दागिना, हुसैन दागिना व्हाट इज के स्क्वायर का वैल्यू फॉर अ डिस, के स्क्वायर का वैल्यू फॉर अ डिस्क. प्रिशा शेट्टी व्हाट इज के स्क्वायर का वैल्यू फॉर अ सॉलिड स्फीयर. प्रिशा शेट्टी यस सर, व्हाट इज के स्क्वायर का वैल्यू फॉर अ सॉलिड स्फीयर. सर स्क्वायर फॉर डिस्क इज आर स्क्वायर टू अपॉन फाइव आर स्क्वायर टू बाय फाइव R square. Right. That's right. Lovely answer. And for this case, R by R square by 2. R square by 2. अरे कितना टाइम लगा था, कितना टाइम लगता है क्या? मैं कब से बोल रहा हूँ? अभी आवाज आई. ये बुक तैयार रखो सब लोग अपनी, ये वाली फिजिक्स वन. We are going to solve problems. I am not at all happy. तुम लोग आंसर नहीं देते हो, पढ़ाने के बाद में भी खाली वो दो तीन स्टूडेंट आंसर देते रहते हैं. देखो बी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, क्योंकि यहाँ पे फ्रीली फॉल होता है, ऐसे बॉडी को गिरा रहे तो जी आता था. यहाँ पे ए है एक्सेलरेशन. With what acceleration? And s can be distance which it is traveling. But v square ka formula humne nikala tha 2j upon 1 plus k square. So ye maine yahan rakha. It starts from zero velocity. So u is zero. So u square is also zero. Plus 2as. S ke badle. I am writing sin theta is h by s. So s will be h upon sin theta. So pehle to ye 2 gets 2. H gets cancel. तो g अपॉन वन प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज a अपॉन sin थीटा, देयरफॉर a sin थीटा को है g sin थीटा अपॉन वन प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. k स्क्वायर की रिस्पेक्टिव वैल्यू डालो चारों बॉडी में. दिस इज द आंसर. सॉलिड स्फीयर इज द फास्टेस्ट. सॉलिड स्फीयर सबसे फास्ट नीचे आता है 5 बाय 7 यानी 7/7 में 0.7 है, बाकी सब से कम है. ये 0.6 है, ये 0.66 है और ये 0.5 है. बिठा दूं. जीतू आर यू देयर और नॉट? जीतू आज सुनाई नहीं दी आवाज तुम्हारी. जीतू आई थिंक जीतू इज एब्सेंट. मैं मिटा रहा हूं इसको. गिने चुने चार स्टूडेंट आंसर देते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं मालूम नहीं है. मैं ये भी बोलता हूँ देख के बोलो तो भी देख के भी नहीं मिलता उनको. तुम लोग को पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेरे पढ़ाने से मार्क्स नहीं आएंगे. यू हैव टू वर्क हार्ड. चलो अब हम चालू करते हैं प्रॉब्लम्स टू फाइंड जीवन. ये जीवन है, ये जीवन टू फाइंड एंड देन सॉल्यूशन. अच्छा बिफोर गोइंग टू प्रॉब्लम मुझे बताओ आरपीएम और आरपीएस में क्या फर्क है?
Anybody can tell me? RPM or RPS में क्या फर्क है? It is radius per meter and radius. That's wrong answer. और कोई? और कोई? Revolution per meter, revolution per second. That's right. This is nothing but revolution per minute. And this is nothing but revolution per second. Revolution per second is directly n, yani frequency. But ये revolution per minute is not n, frequency नहीं है, क्योंकि frequency क्यों होती है revolution per second या hertz. तो इसको है ना example, अगर 120 rpm बोला suppose, तो very first thing is find n 120 by 60, that is 2 rps, or we can say 2 hertz. So RPM and RPS are not same. RPS means directly n. RPM means indirectly n. Isko n dash bolenge. So n will be n dash upon 60. 120 upon 60, that is 2 RPS or 2 hertz. Hints there on me. And then omega, the formula 2 pi n. Or omega ki unit kya bolo? Ye hertz mein hoga, toh hi answer aayega. Omega ki unit kya hai? Unit angular velocity. That's right. ये problem पे जाने के पहले मैं कुछ discuss कर रहा हूँ so that you will understand. RPM आएगा तो क्या करने का, RPS आएगा तो क्या करने का. Okay, इसके बाद ये लिखा आपने, लिखा क्या? लीला कहीं तुम मिलो का नहीं? Yes, no. रोशनी लिखा आपने? Yes, sir. Okay. अब मैं एक बात बताता हूँ, बहुत important बात है. अगर अगर मैं कहूँ radian per second, तो क्या strike होता है आपको? This is the thing, but which symbol? Which symbol? Omega. Omega. अगर मैं बोलूँ खाली रेडियन तो क्या सिंबल? थीटा. दैट्स राइट, दैट्स राइट. मैं अगर बोलूं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड तो क्या सिंबल? मेगा. सिंबल, सिंबल आरपीएस. रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मींस आरपीएस. सिंबल क्या? एन. अभी बताया जस्ट 60 सेकेंड बिफोर. And that's very good, Asif. I really thank you. तुम क्लास को पूरा बचा लेते हो, सब लोग बैठे रहते हो, तुम अचानक करेक्ट आंसर देते हो. अच्छे, अच्छा कोई मुझे बताएगा खाली रिवॉल्यूशन यानी only revolution? Anybody in the class? Anybody in the class? Only revolution. Revolution per second is sirf revolution. Anyone? He will be one of the best student, let me tell you, agar usne answer diya to. Chalo, koi baat nahi. Mujhe itna batao. Agar yahan pe degree hota, degree, 30 degree, 60 degree, to bhi kaise hai, it is theta only. Angle na degree ko radian mein convert kar sakte hain. Aray, 30 degrees diya hoga, to we can say pi by 6 radians, ultimately it is theta. Not clear? डिग्री होगा तो भी वो थीटा ही है, खाली उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में. अब ये ध्यान रखो रिवॉल्यूशन क्या होता है. रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट थीटा. बिकॉज़ व्हाई? वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्रीज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. एक रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट करता है ना पार्टिकल, तो 360 डिग्रीज ट्रैवल करता है और इन द प्रोसेस 2 पाई रेडियन कन्वर्ट करता है. सो ओनली रिवॉल्यूशन implies theta. Only revolution implies theta. For example, अगर तुम बोले ना कि body completes, body has completed 5 revolution. Body has completed 5 revolution. Anybody can tell me what theta is, right? Should I write 5? Sure. Because theta का limit radian होता है.
थीटा का यूनिट रेडियन होता है वो ध्यान रखो सर 10 पाई रेडियन दैट्स सुपर आंसर सुपर आंसर अफीफ आई एम प्राउड ऑफ यू मैं बताऊं अफीफ आसिफ उष्णा विधि और उष्णा विधि आजकल आंसर नहीं दे रही है आई हैव सीन वन चेंज इन द उष्णा ओ मैडम उष्णा मुझे आंसर नहीं दे रही आजकल तुम यस सर आई एम फाइंडिंग लैक ऑफ आंसर फ्रॉम यू इसे हम मिटाए देते हैं सॉरी इसे हम मिटाए देते हैं मिटा दूं अब उष्णा मुझे अपना परफॉर्मेंस प्रूव करेगी ये बता के कि व्हाट आर द काइनेमेटिकल इक्वेशन सब काइनेमेटिकल इक्वेशन लिख के बता एंगुलर मोशन का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोल क्या उष्णा फटाफट बोल यू कैन सी ऑल्सो इफ यू वॉन्ट चलो हिंट भी दे रहा हूं मैं उष्णा यस सर बोल चार दिन हिंट भी दे दी मैंने टाइम हमारे पास बहुत कम है जल्दी कर अभी आगे तो आसिफ को बोलिए फर चारों आंसर देगा आसिफ फर चारों आंसर देगा बाकी लोग तो ढूंढ के शाम तक पहुंचेंगे शाम को 6 बजे जाके उनको मिलेगा ढूंढने के बाद मिल गया किसको मिला नाम हुसैन आज सर बोल माज सर ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 इनटू अल्फा टी बैड प्लस अल्फा टी इनटू नहीं प्लस अल्फा टी दूसरा ओमेगा 1 इनटू टी प्लस हाफ अल्फा इनटू टी स्क्वायर वेरी गुड मास यू आर लवली तीसरा ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा और चौथा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इनटू टी आई एम रियली फाइंडिंग उष्णा इन द कैटेगरी ऑफ अदर स्टूडेंट्स मेरे को बिल्कुल क्या सीन अभी तक तुम ढूंढ रही हो उसके पहले तो मार्च में आंसर देगा मार्च इज नाउ इन स्कॉलर कैटेगरी मार्च टू गुड आई एम हैप्पी विद यू अच्छा अभी ये वाले पेज 22 पे आके प्रॉब्लम करना है इफ अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम पढ़ो कौन पढ़ेगा आसिफ 22 फैन इज रोटेटिंग एट 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट इट इज देन स्विच डाउन इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवॉल्यूशंस Calculate the time taken by the stop, assuming that the frictional torque is constant. Time taken by it to stop. देखो मैं प्रॉब्लम बताता हूँ प्रैक्टिकली एक बार एक घर में पंखा चल रहा था रिवॉल्यूशन एक मिनट में किया करता था ऐसा 90 बार घूमने एक मिनट में और इन दैट प्रोसेस 21 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया करता था 21 रिवॉल्यूशन और फाइनली उसको जब बटन बंद किया तो उसने क्या किया 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट से धीरे धीरे फाइनली केम टू रेस्ट